आईपीएल के 16वें सीजन का 66वां लीग मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत मैदान में होगा। यह मैच एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इस मैच में जिस भी टीम को हार मिलेगी वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं जीत हासिल करने वाली टीम के पास प्लेऑफ में जगह बनाने का एक चांस जरूर रहने वाला है। धर्मशाला की पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए स्विंग होने की संभावना है। इस मैदान पर बल्लेबाज अक्सर रन बनाने के लिए जूझते नजर आते हैं। वहीं गेंदबाजों के लिए मैदान मददगार साबित होता है, लेकिन पिछले मैच में यहां दिल्ली कैपिटल्स ने 214 रन बनाए थे, जवाब में पंजाब भी 200 रन के पास पहुंच गई थी। ऐसे में आज भी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बात करें तो राजस्थान की टीम आज अपने बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करेगी और चाहेगी कि खिलाड़ी अपने पिछले मुकाबले को, जहां उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, उसे भुलाकर आज मैदान में उतरे। वहीं पंजाब की टीम अपने गेंदबाजी यूनिट की मजबूती पर ध्यान देगी और कोशिश करेगी कि राजस्थान टीम के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोक सके, साथ ही इस मुकाबले को जीत कर अपने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को जिंदा रख सके। पंजाब ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें 6 में जीत और 7 मैचों में हार मिली है। टीम के पास अभी 12 पॉइंट्स हैं। राजस्थान के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी लियम लिविंगस्टोन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उनके साथ सैम करन, कागेश्वर अबाडा और नेथन एलिस हो सकते हैं। इसके अलावा शिखर धवन, जितेश शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन शिखर धवन का बल्ला अभी फिलहाल खामोश चल रहा है, तो टीम उनके भी बल्ले से रन देखने की उम्मीद पूरी करेगी। वह राजस्थान को इस सीजन अब तक खेले गए 13 मैचों में 6 में जीत और 7 में हार मिली है। हालांकि टीम शुरुआत में सीजन में काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रही थी, लेकिन बीच आते आते टीम को लगातार मिली हार की वजह से आज टीम प्लेऑफ में जाने के लिए जूझती नजर आ रही है। टीम के पास फिलहाल अभी 12 पॉइंट्स हैं। पंजाब के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी जॉस बटलर, जो रूट, शिमरन हेटमायर और एडम जैम्पा हो सकते हैं। जो रूट को टीम लगातार बैक कर रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या उनके बल्ले से वो रन निकल पाते हैं या नहीं। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन टीम के लिए शानदार फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करती है और प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखती है। यहां से हारने वाली टीम की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें पर पानी फिर जाएगा।